नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। फिर से आ गया आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करूंगा फैनशो कॉलेज को। आज मैं आपको पूरा फैनशो कैंपस टूर दिखाऊंगा, जो मेन बिल्डिंग है और मेन कैंपस का मैं आपको टूर दूंगा। अभी मैं फ्रंट में खड़ा हूँ, मतलब मेन कैंपस के फ्रंट में खड़ा हूँ, और हम अभी अंदर जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो और आपको क्यों फैनशो कॉलेज चूज करना चाहिए। तो जैसे आप मेन कैंपस में एंटर करते हो, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा स्टूडेंट सर्विसेज। रिसेप्शन पे आपको कोई ना कोई बैठा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है किस बिल्डिंग पे जाना है, किस बिल्डिंग पे आपको एक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप एज ए न्यू स्टूडेंट आ रहे हो, तो सबसे पहले जरूर इस स्टूडेंट्स रिसेप्शन पे आप विजिट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। तो जैसे आपको अगर कैश निकलवाना है, तो कैंपस के फ्रंट में ही आपको एटीएम भी मिल जाएगा और यहाँ पे आप कैश विद्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको फैन कार्ड भी रिचार्ज करवाना है, क्योंकि यहाँ पे फैन, अगर आप प्रिंट निकलवाते हो, कुछ सेंट्स आपको देने पड़ते हैं, कुछ डॉलर आपको देने पड़ते हैं, तो आप अपना फैन कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हो। तो इस मशीन थ्रू अपना फैन कार्ड आप रिचार्ज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा होमवर्क लैब। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टूडेंट को फ्री कंप्यूटर सर्विसेज मिलती है। अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपना काम कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं। तो ये लेट नाइट तक खुला रहता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि अंदर अभी स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स इस होमवर्क लैब में विजिट करें और यहाँ पे कंप्लीट करें। तो आइए आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लोकल सर्विसेज भी मिलती है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको लोकर अपना खुद का अपने पास आपका लोकर हो, तो आप लोकर की एक्सेस भी ले सकते हो। बट इसके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ तक मुझे प्रॉपर नहीं पता, जैसे 11 टू 12 डॉलर्स होते हैं पर सेमेस्टर। अगर आपको लोकर चाहिए, तो आप लोकर की एक्सेस भी यहाँ पे ले सकते हो। और अगर मैं आपको आगे बताऊं, तो साइड में आपको बोर्ड्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटीज चल रही है, तो यहाँ पे आपको इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा इवेंट्स अभी चल रहा है या कौन सा इवेंट्स फ्यूचर में होगा। तो ये रहा हमारा प्रिंट शॉप, मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई प्रिंट निकलवाना है कुछ किसी असाइनमेंट्स का, या आपको रेज्यूमे भी प्रिंट आउट निकलवाना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बट यहाँ पे आपको या तो फैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर पास फैन कार्ड रिचार्ज नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ सेंट्स दो, और सेंट्स देने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये फैन शो का पूरा मैप है, क्योंकि यहाँ पे फैन शो में जो नए स्टूडेंट आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बिल्डिंग से किस बिल्डिंग तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे हर बिल्डिंग यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। अगर आप डाउटफुल हो कि हाँ आपको वे नहीं दिख रहा, तो आप इस मैप का आप यूज कर सकते हो। और जैसे जब आपकी ओरिएंटेशन होती है, तो यहाँ पे जगह जगह पे स्टूडेंट खड़े होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। और जैसे मैं आपको बोर्ड के बारे में बता रहा था, ये रहा बोर्ड, इस तरह आपको हरा भरा बोर्ड दिखेगा, और यहाँ पे हर एक चीज लिखी होगी कि आपको क्या चीजें फ्री मिल सकती हैं और क्या फैनशो कॉलेज आपको फ्री में एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो इस नोटिस बोर्ड पे खासकर ध्यान जरूर देना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। तो ये रहा पहला फूड कोर्ट, ये पहला फूड कोर्ट है। यहाँ पे शायद कोई इवेंट वगैरह हो रहा होगा, इस वजह से चेयर्स वगैरह हटा दी हैं। यहाँ पे हार भी गया है, वहाँ पे आपको टीम होटल है, जो सेल्फ सर्विस टीम होटल, मतलब आप खुद की कॉफी चाय खुद बना सकते हो। तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है, अगर आपको भूख लगी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, स्नैक्स निकालने हैं, तो आप अपना एटीएम कार्ड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके थ्रू आप वहां से निकाल सकते हो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए। आपको ऐसे डिजिटल बोर्ड दिख जाएंगे, है तो ये टीवी है, बट डिजिटल बोर्ड कहते हैं इनको। यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट फ्यूचर में होगा। तो आप जब पास हो रहे हो यहाँ से, तो आप एक नज़र जरूर यहाँ पे दोहराओ, तो कई बार जो ओपनिंग्स होती है वो भी यहाँ पे मेंशन होती है, और किसकी प्लेसमेंट होगी या वो भी, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। इस बिल्डिंग से थोड़ा एग्जिट करते हैं और हम चलते हैं जे बिल्डिंग की ओर। तो ये ऑटोमेटिक डोर है यहाँ पे। तो ये रही आपकी जे बिल्डिंग, मतलब स्टूडेंट वेलनेस सेंटर। और इस बिल्डिंग, ये फैनशो की एक जान है, मतलब यहाँ पे आपकी जिम है, यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए वो भी जे बिल्डिंग में होती है। तो जो फैनशो की जो जान है, वो जे बिल्डिंग है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा, और आपने मेरे पिछले पुराने जितने भी ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मोस्टली अगर मैं लंच वगैरह करता था, मैं ओएसिस में करता था। ओएसिस यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, वहाँ पे आपको अच्छा खाना मिलता है। तो चलो, अब मैं आपको यहाँ की, मतलब जे बिल्डिंग में जाने की काफी ज्यादा एंट्रीज हैं, तो मैं आज आपको फर्स्ट जो उसकी मेन एंट्रेंस है, वहां से लेके जाता हूँ। तो ये रही मेन एंट्रेंस जे बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट वेलनेस सेंटर। तो ये अगर आप बीमार पड़ते हो,
तो यहाँ पे जरूर विजिट करना, यहाँ से आपको रेफरल मिल जाएगा। मतलब अगर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये रेफर कर देते हैं, ताकि जिससे आपका जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो बच जाता है। तो चलो आ जाओ अंदर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको जिम वगैरह मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखो जो फैनशो की जो लड़कियों की टीम है वो यहाँ पे खेल रही है, और यहाँ पे ऊपर अगर जाओगे, आपने मेरा अगर ब्लॉग में देखा तो आप देख सकते हो कि जिम कैसी फैनशो कॉलेज की। तो यहाँ से एंट्रेंस है जिम की, और जिम में आपकी ऐसी एंट्रेंस नहीं होती, आपके पास फैन कार्ड होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, आप रजिस्टर होने चाहिए यहाँ पे, तब आपकी एंट्रेंस होगी। ऊपर जिम है और यहाँ पे खेल रहे हैं वो, और अभी ये ऑफिस बंद हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आपको कोई इसी इक्विपमेंट की, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अगर आपको इशू करवाना है तो आप यहाँ से इशू करवा सकते हो, जैसे बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आपको खेलना वो आप इशू कर सकते हो। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा स्केड्यूल दिया जाता है कि हाँ अगर आप रात को खेलना चाहते हो कितने बजे तक आप कौन सी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर जूम करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पूरा स्केड्यूल बनाते हैं कि हाँ दो दिन अगर क्रिकेट खोगी यहाँ पे तो बच्चे यहाँ पे जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो क्रिकेट खेल सकते हैं, और किसी दो दिन यहाँ पे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेला जाएगा। तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे स्केड्यूल बना दिया जाता है, और अगर आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स है तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आओ और खेलो। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो मेरे फैनशो स्टूडेंट यूनियन के काफी ब्लॉग्स थे, तो वो देख सकते हो। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वहाँ स्क्वैश खेला जाता है, यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जाता है, और यहाँ पे वो जो लास्ट ब्लॉक है मेरा गोल्फ स्टिमुलेटर का, वो यहाँ पे खेला जाता है। मतलब जो यहाँ पे चलने की जो वाइब्स आती है ना वो डिफरेंट होती है, मतलब आप खुद को एक यंग फील करते हो कि हाँ आप यंग हो। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो ट्रॉफीज जीती हैं वो यहाँ पे हैं। तो फैनशो कॉलेज स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा फेमस है, तो आप देख सकते हो ट्रॉफी सारी। तो बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे हैं, तीन चार कोर्ट। तो अभी तो मतलब मोस्टली बच्चे चले गए हैं, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात को सही टाइम है यहाँ पे वीडियो बनाने का, क्योंकि दिन में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है और अच्छा नहीं लगता कैमरा करना। तो ये रहा हमारा ओएसिस। तो ओएसिस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फूड कोर्ट है, और यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे मोस्टली बंदे यहाँ पे हैंग आउट करते हैं और बैठते हैं, टाइम पास करते हैं अपना, जो भी कॉलेज की बातें होती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, कोई बड़े आ रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को खाली करके तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कुछ टाइम के लिए इस ओएसिस को बंद कर दिया जाता है, तो अगर ओएसिस बंद है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सारी, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई हायरिंग वगैरह हो रही होती है तो यहाँ पे बैठे होते हैं, तो वो आपको आप इंटरव्यू दे सकते हो और हायर हो सकते हो। बस मेरी यहाँ पे एडवाइस यही होगी कि आप ओएसिस में जरूर चक्कर लगाते रहना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट होते रहते हैं, और इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे जीतने का मौका भी मिलता है, या आपको कुछ फ्री थिंग्स भी मिलती हैं, आप वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। जे बिल्डिंग में ही आपको मिल जाएगा आउटबैक शैक, तो ये बार और ग्रिल है, मतलब यहाँ पे अगर आपको अल्कोहल कंज्यूम करनी है यहाँ पे अल्कोहल मिल जाती है। तो देखो अगर आपको शौकीन है पीने का तो आप पी सकते हो। तो ये आउटबैक शैक है, बार एंड ग्रिल काफी ज्यादा फेमस है, जो कैनेडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मोस्टली विजिट करते ही रहते हैं। ये रहा स्टडी रूम। तो फैनशो कॉलेज में आपको ढेर सारे स्टडी रूम मिल जाएंगे, मतलब आपको हर बिल्डिंग में काफी स्टडी रूम मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको एक स्पेस चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो ग्रुप मीटिंग्स करनी है आपको, तो आप यहाँ पे आओ। चार्जिंग पॉइंट भी, अगर क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लैपटॉप वगैरह चाहिए हो तो चार्जिंग पॉइंट भी है, तो आप स्टडी रूम में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, जब भी आपको ग्रुप डिस्कशंस करनी है तो आप कर सकते हो। तो इस साइड अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे क्लाइंबिंग वॉल एक्टिविटी होती है। अभी हम जे बिल्डिंग में ही हैं, तो स्टडी रूम मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हर बिल्डिंग में आपको स्टडी रूम मिल जाते हैं। और अगर हाँ, अगर आपको कुछ मीटिंग रूम्स बुक करने हैं, आप मीटिंग रूम्स भी बुक कर सकते हो। जैसे आपकी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं तो आपको एक परमानेंट स्पेस भी मिल जाएगी।
फैंशियर कॉलेज की जो नाइट लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वो रात को देख लो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी आउटडोर कोर्ट्स हैं वहाँ पे बच्चे, जैसे समर आ गई है तो समर से वो खेलते हैं। तो यही खूबसूरती है फैंशियर कॉलेज में, और यहाँ पे पढ़ने का यही फायदा है कि आपकी जो एक लाइफ होती है, सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आप हर दिन इंप्रूव करते हो। तो आप देख लो मेरे पीछे खेल रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं वो, तो साथ में बास्केटबॉल खेल रहे हैं दोस्तों के साथ और मजे ले रहे हैं। जैसे आपने पहला स्टडी रूम देखा तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ स्टडी रूम ही है। यहाँ पे भी मतलब स्टूडेंट यहाँ पे टाइम पास करते हैं, अपनी जो भी डेली की जो बातें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। चार्जिंग पॉइंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप जहाँ मर्जी अपना लैपटॉप खोल के बैठ सकते हो, और कैंपस में तो फुली वाईफाई है, तो वाईफाई तो आप जरूर चलाइए। और हाँ, जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। तो ऐसे आपको एक चार्ट मिल जाएगा कि फैंशियर स्टूडेंट यूनियन जे बिल्डिंग में जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हाँ यहाँ पे कॉलेज वाले नियाग्रा फॉल ट्रिप के लिए ले जाते हैं तो क्या चार्जेस होंगे सर? $40 स्टूडेंट्स के लिए, और 45 अगर कोई आपका गेस्ट जा रहा है। ये रही हमारी फैल्कन शॉप। फैल्कन मतलब जो भी स्टूडेंट होता है फैंशो में उसको फैल्कन बोला जाता है। आपको फैंशो कॉलेज की अगर टी शर्ट्स चाहिए, आपको कोई भी अगर आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी ड्रेस रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे इस शॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको ड्रेसेस यहाँ पे सारी मिल जाएंगी, वाटर बॉटल मिल जाएंगी, हुडीज मिल जाएंगी, आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आपका कोई नर्सिंग का कोर्स है, आपको नर्स से रिलेटेड जो भी ड्रेस चाहिए वो आपको फैल्कन शॉप में मिल जाएंगी। तो ये रहा फूड कोर्ट नंबर 2, और इस फूड कोर्ट में आपको पिज्ज़ा जैसे वो आउटलेट है पिज्ज़ा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सब्बे है, आपको सब्बे मिल जाएगा, और यहाँ पे टीम होटल भी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी होती है इस टीम होटल में। तो आपको पता है जैसे अभी तो सब कुछ बंद है, बट मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है और बंद हो चुका है, दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा ये था कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, और तसल्ली से वीडियो तभी बन सकती है जब ये चीज़ें फ्री हो। और यहाँ पे वैरायटी स्टोर है, मतलब अगर आपको कैंडीज लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कुछ भी आपको चाहिए खाने से रिलेटेड चीज़ें ये आपको मिल जाएगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी आप जाओ, आप पढ़ने के शौकीन हो तो आप लाइब्रेरी में विजिट करो, आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इनको, वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और जो गेमिंग लवर हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो फैंशो में। कैसे? आप यहाँ पे अंदर जाओ, अपने लिए एक रूम बुक करो, वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे आके आप गेम भी प्ले कर सकते हो। तो देख लो कि लाइब्रेरी है, पढ़ने के साथ साथ आप इंजॉयमेंट भी कर सकते हो, ये सारी सहूलियतें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे जो स्टाफ है इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ये सब चीज़ें एकदम फ्री हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे है कैंपस स्टोर। कैंपस स्टोर मतलब यहाँ पे आपको स्टेशनरी का सारा सामान मिल जाएगा। तो पीछे जो अपने फैल्कन शॉप में देखी थी वहाँ पे आपको कपड़े वगैरह, जो भी पानी की बोतलें वगैरह चाहिए थी, और जो कैंपस स्टोर है ये और भी बड़ा है, मतलब एक बड़ी शॉप की तरह है। तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी का सामान चाहिए या आपको बुक चाहिए, बुक भी अगर आपको परचेस करनी है तो आप कैंपस स्टोर से यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो फिलहाल तो कैंपस स्टोर बंद हो चुका है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस है कैंपस स्टोर का, स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो पेन वगैरह मिल जाता है सब कुछ यहाँ पे। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे क्या मिलता है अगर आप नए नए स्टूडेंट आए हो, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ता है। और अगर आपको वर्क परमिट से रिलेटेड, स्टडी परमिट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, जो भी इंटरनेशनल क्यूरीज होती है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होती है, मतलब ई बिल्डिंग में, ई ब्लॉक ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई इशू है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यहाँ पे विजिट करो, अगर आपको कोई फैन कार्ड रिलेटेड इशू है आप यहाँ पे विजिट करो। तो आज मैं आपको एक अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, मेरे दोस्त का नाम है ओस्कर। तो ये फैंशियर कॉलेज में ही इनोवेशन हुई है कि जैसे हमें पता नहीं होता, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी रैपर कुछ भी होता है किसी भी गार्बेज बॉक्स में डाल देते हैं। तो आज मैं बताता हूँ इनमें इसमें क्या खासियत है। इसमें कैमरा वगैरह लगा हुआ है, तो जैसे आपको पता है ये बॉक्स कार्डबोर्ड का बना हुआ है, तो ये बता देगा कि हाँ ये कंपोस्ट किस डालना है, अपने यहाँ पे डालना है या कंटेनर में डालना है। तो ये देखो, तो ये चीज़ें मतलब ये खासियत है इस चीज़ की, मतलब ये कैमरे पे लगा, ये डिटेक्ट कर देता है, आपको बताता है कि आपने हाँ किस सही गार्बेज बॉक्स में ही आपको अपना ट्रैश डालना है। जैसे आप इस वो देख रहे हो पेंटिंग को, तो
तो ये मतलब दूर से तो एक ऐसा लग रहा है कोई इंसान बैठा हुआ है, पास से देखोगे तो ये सिर्फ आयरन रोड से मतलब बनाई गई है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्टिक जो व्यू है, पेंटिंग है यहाँ पे इस कॉलेज में, वो काफी ज्यादा यूनिक है। और यहाँ के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेन कैंपस में जैसे कोर्सेज कैसे कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, जो भी जो मेन कोर्स है, जैसे फार्मेसी का कोर्स हो गया आपका, यहाँ पे डेंटल का कोर्स हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे कैरी होते हैं। और जैसे मैकेनिक्स से रिलेटेड जो कोर्सेज हो गया वो सारे जेड बिल्डिंग में होते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोज हैं, तो उस वीडियो को आप जब देखोगे तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको उस लेक्चर थिएटर की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने एक शूट की थी, वो रहा एल्यूमिनाई लेक्चर थिएटर। हमारी कुछ क्लासेस इस थिएटर में होती थी और मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं इस थिएटर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अपनी जो मोटिवेशनल वीडियो है यहाँ पे मैंने शूट की थी। और यहाँ पे हमें टेड टॉक बोलने की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी। तो ये रहा एल्यूमिनाई थिएटर। और जैसे अगर आप आगे आओगे तो मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा, तो स्टूडेंट जैसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो यहाँ पे है, ये कॉलेज बताता है कि हाँ इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी हायरिंग हो रही है। जैसे फुल टाइम एम्प्लॉय में इन्होंने इस मंथ इतनी वैकेंसीज अपलोड कर दी हैं, और पार्ट टाइम इतनी यहाँ पे जो पोस्टिंग्स इन्होंने पोस्ट की हैं, और ऑन कैंपस कितनी इन्होंने पोस्टिंग की है इस महीने 35, और कितनी वॉलंटियर एक्टिविटीज आप कर सकते कॉलेज में, वो 9 वैकेंसीज हैं, तो आपको मिल जाता है। और इसके ही सामने, इसी के सामने आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर सर्विसेज। जैसे कि अगर कोऑप से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, कोऑप से रिलेटेड, तो आप सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे आपके जो रिज्यूमे हैं उसको सुधारने में भी ये यहाँ पे मदद करते हैं। तो मैं दोबारा आपको रिपीट करूँ, कोऑप से आपका डाउट आगे पेड मिलेगी या नॉन पेड होगी, और कोऑप नहीं करते हो तो क्या फर्क पड़ता है वर्क परमिट पे, और आपका रिज्यूमे क्या सही है। अगर रिज्यूमे सही नहीं है तो आप यहाँ पे आओ, इनको दिखाओ, ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। और यहाँ पे आप फ्री में रिज्यूमे भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मर्लिन ग्राउंड। ये मर्लिन ग्राउंड काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे जैसे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, अगर दिवाली फेस्टिवल होता है, होली फेस्टिवल होता है, और गरबा गुजराती जो गरबा खेलते हैं, और जो फेस्टिवल होता है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे डीजे वगैरह लगते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं एंजॉय करने की। आपको पता है आप काफ़ी दूर से आए हो, इंडिया से आए हो, अपने कल्चर को मिस करते हो, तो फ्रेंडशिप कॉलेज में यहाँ पे मतलब पूरा स्टूडेंट्स को चांस दिया जाता है। आप इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करो और बच्चों को बुलाओ और यहाँ पे खूब सारा मजे करो। तो ये चीज़ें चेक करो आप, जो उन्होंने वुडन क्राफ्ट किया हुआ, ये देखने में कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ पे जो वॉल्स हैं कॉलेज में हर जगह भरी हुई हैं, एक अलग ही फीलिंग देती है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो बस दिख रही होगी, तो बस का जैसे मैंने आपको बताया कोई चार्जेस नहीं होते, मतलब आपको सिर्फ फैन कार्ड चाहिए होता है। फैन कार्ड मतलब एक आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो आप फैंशो के स्टूडेंट हो, आपको पूरे जितनी आपकी स्टूडेंट की जो ड्यूरेशन है, मतलब अगर आपका 2 साल का कोर्स है, आपको 2 साल तक फ्री ट्रैवलिंग मिलेगी लंदन में, और आप कहीं पे भी लंदन के विद इन लंदन बाउंड्रीज आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। और ये मेन एंट्रेंस पे आपको सारी बसेस मिलेंगी, मतलब आपको लंदन में किसी भी कोने में जाना है आपको मेन एंट्रेंस से मिल जाएंगी। मोस्टली बसेस जैसे आर्गाइल मॉल जाना है, व्हाइट ऑक्स जाना, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। अगर आपका काम भी है किसी लंदन के किसी पार्ट में तो बसेस आपको यहीं से मिलेंगी मेन जो है। और जो 25 और 27 है वो आपको बैक साइड से मिलेंगे फ्रेंडशिप कॉलेज के, वो मैसनविल जो मॉल है उसकी तरफ जाती हैं। बट 25 और 27 के अलावा आपको जो बाकी बसेस हैं वो आपको मेन एंट्रेंस से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि मैं आपको फ्रेंडशिप कॉलेज का एक कैंपस टूर दिखाऊं, और ये मेन कैंपस है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप वहाँ पे मुझे अप्रोच कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट हैं मैं वहाँ पर सॉर्ट आउट करूँ। और मेरे और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं फ्रेंडशिप कॉलेज से रिलेटेड, आप उनको ज़रूर विजिट करना, उनको ज़रूर देखना। वहाँ पे भी मैंने जैसे कॉलेज डायरीज एक मैंने सफ़र शुरू किया था, वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग की थी कैंपस लाइफ में कि एक स्टूडेंट की किस तरह के कैंपस लाइफ होती है, स्ट्रगल होते हैं और कैसे एग्जाम्स होते हैं, वो हर चीज़ मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी। अगर आपको टाइम मिले आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चलो बाय।